नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट शॉप से। आज हमारे पास लैब्राडोर का एक बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है। पहले हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये है लैब्राडोर का मेल। भैया फीमेल है? मेल है। तो ये लैब्राडोर का मेल है। तो अभी ये लैब्राडोर का मेल लेने के लिए हमारे पास कुछ लोग आए हुए हैं। चले पहले उनसे मिलाते हैं। नमस्कार भैया। भैया आपका नाम क्या हुआ? और आपका भैया? अमित कुमार सिंह। आप भी भैया? राकेश। राकेश, तो आप तीनों कहाँ से हैं भैया? पटना से। पटना सीआर कहाँ? सीआईएसबी पटना। सीआईबी पटना। सीआईएसबी क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप ये लैब्राडोर मेल की क्वालिटी देख लें आप लोग। तो ये बच्चा आज हम लोग देने वाले हैं। तो चलिए भाई, आपको आज हम बताते हैं क्या क्या आपके जो सवाल है डॉग को लेकर के। तो सारा कुछ रेडी रहिए, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद आगे की। अभी गर्मी का मौसम है तो डॉग को जाड़े के अपेक्षा गर्मी में कुछ फूड में भी तब्दीली लाई जाती है। काफी सारे चीजें भी कर रहे हैं आप लोग। तो खाना इसको कैसे? अभी आपको मिनिमम 3 टाइम देना खाना, ठीक है? और 1 टाइम स्नैक्स का रखेगा, 4 टाइम टोटल फीड चलेगा इसका। आपका जो सुबह 7 बजे का फूड रहेगा तो सुबह आप ये दे देंगे। इसके बाद मिल्क फीड भी आता है। तो बताते हैं, इसके बाद मिल्क फीड भी आता है, वो भी देना है क्या? चलिए स्टार्ट हो गया। सुबह 7 बजे 1 कप पानी ले लीजिएगा, 1.5 कप पानी इस बाउल में डाल देना। 1.5 कप पानी सुबह ले लीजिएगा, ज्यादा गर्म नहीं रहेगा। इसमें से आधा कप से थोड़ा सा कम ये ले लीजिएगा, 1 चम्मच मिल्क ले लीजिएगा। इसमें डाल दिया आपने, 15-20 मिनट फूलने के लिए छोड़ देना। 15-20 मिनट के बाद फिर इसको हाथ से क्रश करके बस दे देना। डॉग खत्म कर लिया, पहला इसका कोटा पूरा। तो दिन में कितने बार देना है? पहले हम पूरा रात तक का बता देते हैं आपको, एक साथ आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सुबह का आपका ये खत्म हो गया, सारा खाने खत्म। उसके बाद आपका आता है ये गटवेल पाउडर। ये गैस के लिए होता है, डॉग को गैस ना हो या ठीक से डाइजेस्ट हो उसके लिए होता है। 1 चम्मच खाने में मिला के ही देना है इसको ये सुबह। हाँ, सुबह खाने में, सुबह में। हाँ, उसके बाद ये लीवर टॉनिक है, ये मल्टीविटामिन है और ये पेट के कीड़ा का दवा है। तो पहले इन दोनों का बता देते हैं। ये दोनों शुरुआत में इसलिए दिया जाता है कि लीवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। एक इधर हार्ड होता है कि वो खाएगा ना तो हो सकता है भूख ही खत्म हो जाए। तो उसके लिए शुरुआत में ये सारा चीज चलाना होता है। तो अभी ये 2-3 दिन चला दीजिएगा, चौथे दिन ये खाली पेट में दे देना। उस दिन कोई दवा नहीं देंगे, ठीक है? चौथे दिन ये खाली पेट में दे देंगे। उसके बाद जितना वजन होगा उसका, जितना के जी होगा उतना ml इसमें से निकाल के दे देना। 4 घंटे के बाद खाना देना। वजन उसका हमेशा हाँ हाँ, जब भी आपको पेट का कीड़ा, ये हर 15 दिन पे देना, 1 दिन पे नहीं, हर 15 दिन पे पड़ेगा। खाने के लिए 5-10 मिनट के बाद दे सकते हैं, पॉटी वॉटी करके आ जाए। क्योंकि डॉग खाने के तुरंत बाद पॉटी करता है, तो खा लिया आपके 5 मिनट बाद बाहर लेकर के चले जाइए, पॉटी वो अपना कर लेता है, करके आएगा आराम से, दे दीजिएगा। तो हाँ, 3 से 4 दिन दे दीजिएगा, क्योंकि इसका टाइम पूछ चुका है। लास्ट लगता 12 दिन पहले दिया गया था, तो 15 दिन होने वाला, फिर इसको रिपीट कर दीजिएगा। ये भी आपका खत्म हो गया। उस दिन तो ये सब दवाई नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, खाना भी नहीं चलेगा, खाना भी नहीं, नहीं। सुबह सिर्फ ये देना है, उसे 4 घंटे के बाद खाना देना है ना। उसके बाद ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए होता है। ये डेली वही खाने के बाद उसमें से 1 ml देना है। सुबह का हम बता रहे हैं, सारा सब सुबह का ही है, ये आपको सुबह इसमें से दे देना। 1 ml हाँ, 1 ml दे देना है। ना सिरिंज से भी
जो 3 ml का 2 ml का सिरिंज आता है ना उसे लेकर के अपना दे देंगे। तो सबसे इजी होता है सिरिंज का अपना नीडल निकाल देना है, नीडल निकाल करके बाकी अपना चलाए ठीक है। उसके बाद दोपहर का टाइम आता है, दोपहर 12 बजे के लगभग 12 बजे आपको ये फूड ले लेना है। फूड लेकर के जितना फूड मैंने बताया आधा कप से थोड़ा कम वो लेकर के डाल देंगे, उसमें दही मिला गर्मी का दिन है उसमें दही डायरेक्ट मिला करके दे सकते हैं। कुछ दिन के बाद दही चावल भी यूज कर सकते हैं, मतलब रमजान 1 महीने के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, दही चावल भी दे सकते हैं। आप जो ले जाना ना उसके बाद की बात हम करेंगे ना। दही तो कैल्शियम के पूर्ति के लिए भी ना, दही में बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो उसको डाइजेस्ट प्रॉपर कराता है, पेट हमेशा सही रहे। दोपहर में जब देंगे तो ये सब गैस वाला तो नहीं, ये सब सुबह का खाना खत्म हो गया। अब दोपहर में क्या करना है, हां सुबह में ही देना, दोपहर में नहीं देंगे। उसके बाद शाम का टाइम आता है, शाम का टाइम दोपहर में आपने दही के साथ आपने दे दिया ठीक है। उसके बाद आता है शाम का टाइम यानी 4 बजे के 5 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास आप इसको कुछ भी चिकन स्टिक वगैरह चोस्टिक छेना अंडा पनीर इसमें सब कुछ भी आप दे सकते हैं। वो स्नैक्स टाइम हो गया, बिस्किट वगैरह डॉग का वो दे सकते हैं। डॉग बिस्किट नहीं देना चाहते तो RR वाला मारी गोल्ड आता है अपना वो भी आप दे सकते हैं। तो दोपहर के टाइम में आपने शाम के टाइम में आपने ये दे दिया। उसके बाद रात का जो फीड होगा वो सुबह जैसे आपने दिया तो सेम कॉपी होता है, सुबह वाला शाम में अंतर नहीं होना चाहिए, जैसे सुबह आपने दिया सेम उतना ही क्वांटिटी में शाम में दिया। वही सर ये नहीं दवाएं बिल्कुल नहीं देनी, ये देना ना। हाँ ये देना, ये भी देना खाने में। हाँ ये सारा खाना मिला के देना सुबह सुबह शाम, क्योंकि उसका गैस ना बने, खाना बढ़िया ढंग से पच जाए, बाकी कुछ नहीं है ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए खाने पीने का। उसके बाद आता है वैक्सीन का प्रक्रिया। तो जब आप पेट का कीड़ा का दवा दे देंगे उसके 2 से 3 दिन के बाद, क्योंकि अभी हो गया है 40 डेज अप्रॉक्स है यानी 38 डेज के आसपास मानिए, तो आपको 45 का पड़ता है। तो आफ्टर 7 डेज तो इसमें आपको 4 दिन लग जाएगा, पेट के कीड़ा का दवा पहुँच सको तो आपको 4 दिन लग जाएगा। 2 से 3 दिन के बाद आपको वैक्सीन करा लेंगे, पहला वैक्सीन हो जाएगा 45 डेज पर, फिर 21 दिन के बाद फिर से वैक्सीन रिपीट होगा जिसको बूस्टर कहते हैं। तो वो 21 दिन के बाद जैसे आपने वैक्सीन दिलवाया उसके 21 दिन के बाद से फिर से दूसरी वैक्सीन रिपीट कर देंगे, वही सेम बूस्टर रहेगा उसका। और उसके बाद आपको लगेगा एंटी रेबीज, वो पड़ता है 90 डेज के बाद पड़ेगा। तो जब आपका डॉग 90 डेज हो जाए उसके बाद आप एंटी रेबीज दे सकते हैं, तो एंटी रेबीज दे देंगे, फिर उसका भी बूस्टर पड़ेगा एंटी रेबीज का भी, वो भी बूस्टर पड़ेगा वो 21-20 दिन के आसपास पड़ता है, रिपीट किया जाता है। भैया और कोई सवाल? जैसे देखिए लैब्राडोर होते ही सोशल है, इतने ज्यादा सोशल होते हैं कि चोर के साथ भी आराम से खेलते कूदते बाहर चला जाएगा, तो चोर इसीलिए होते हैं लैब्राडोर। मेरे फ्रेंड के पास लैब्राडोर था तो इतना अच्छा घूमने गया कि उसको पुण्य लेके पहुंच गया राजीव नगर से। वही सीन होता है, तो लैब्राडोर होते ही इतने ज्यादा फ्रेंडली है, इसीलिए आप लैब्राडोर को किसी भी तरह के छोटे घर में बड़े घरों में अपार्टमेंट हो या किसी भी टाइप के घर में आप आराम से रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंडली होते हैं तो किसी को नुकसान पहुंचने का डर ही नहीं होता, उसे आप किसी भी टाइप के घर में आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। लैब्राडोर को मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में आता है लैब्राडोर। और भैया आप लोग का कोई सवाल पूछिए और कुछ है तो, बाकी हमारा नंबर है आपके पास जो कि आप हमेशा कॉल कर सकते हैं 11 बजे रात से पहले, क्योंकि रात के बाद शायद ना उठा पाए तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। अगर इमरजेंसी रहे तो रात में भी फोन करके पूछ ले। लूज मोशन वॉमिटिंग इन सब चीजों पे ध्यान देंगे, लूज मोशन बहुत ज्यादा कर रहा है तो उस पर तुरंत बैकवर्ड करें। अंडा में जो पीला वाला जो होता है वो हटा कर देते हैं, वो नहीं देते उसको किस चीज में मिला कर ऐसे ही दे सकते जैसे कि इन लोग का फूड में जिस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, मैंने अंडा कह दिया तो पनीर अभी एक ही स्लाइस मान के चले पनीर का दे रहे बस, पच रहा है नहीं पच रहा चेक कर लेंगे, पचता है और आगे चल के बढ़ाकर उसको दे दिया जा सकता है आधा ना, लेकिन एक ही दिन बढ़ा कर दे देंगे तो अगले दिन से लूज मोशन शुरू हो जाएगा। लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, बाकी डॉग की गारंटी लाइफ टाइम है ना। पूछ रहा था कि ऐसा बहुत सारा फूड होगा जो उसके लिए बेनिफिट नहीं करता, उसको
प्रॉब्लम होगा। जैसे तेल मसाला घी नमक चीनी ये सब कुछ नहीं रहे, टेस्ट चाहिए ही नहीं। कितने दिन तक बॉयल? हमेशा लाइफ टाइम। हाँ बॉयल खाना आप जिंदगी भर ले सकते हो, सारा कुछ बॉयल। समझिए इसको डायबिटीज है, हार्ट का पेशेंट है। जैसे खाना देते हैं ना उसी टाइप का इसको खाना देना। गेहूं का दलिया भी आगे फ्यूचर में आप ऐड कर सकते हैं, वो सब इसके लिए बेनिफिशियल होता है। तेल मसाला घी देंगे अपने लाइफ के लिए तो नुकसान है, उसके लिए बहुत जरूरत है। फर वर भी चले जाता है, स्किन प्रॉब्लम भी होने लगता है, इसका नोज ड्राई होगा, वो ऐसा सिचुएशन में भी आप कॉल करेंगे। क्योंकि इन सब और खाना छोड़ता है, डॉग सुस्त हो जाता है, तो ऐसा किसी भी सीन में आप फोन कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर की भी सुविधा है जो कि आपके घर जाकर के आपके डॉग को देखेंगे। तो आपको किसी भी तरह के जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट है जो मेरे यहाँ से डॉग ले जा चुके हैं, उन सब के लिए जो भी पटना के अंदर है वो कॉल करें कभी भी। डॉग से रिलेटेड कोई भी परेशानी बीमारी के लिए यहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहता है हमेशा, वो जाकर के आपके घर पे देख लेंगे, है ना। तो चलिए आप लोगों को कैनल कैसा लगा, या हमारे से जो भी बातचीत हुई वो कैसी लगी, और हमारे दिया गया ये कैल्शियम बन गया, ये भी चलाया जाता डॉग के बोन के लिए, मैंने देखा। इसको कब देंगे? वो सुबह ही, सुबह ही। हाँ एक टाइम। तो ये हमारे व्यूवर्स को बताएं कैसा लगा आपको, और यहाँ पे लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। पहले तो इनका जो शॉप है, मैं अपना लोकेशन से इनका शॉप खोजा, इनका नंबर फोन किया, ट्राई किया, एक बार फोन किया, कॉल रिसीव नहीं किए, दो बार तीन बार चार बार फोन पर, फिर इन्होंने खुद ही कॉल बैक किया कि हेलो कौन कौन बोल रहे हैं। हमने अपना ये बताया कि हमको ये चाहिए, डॉग चाहिए, तो अपना ये सजेस्ट बताया कि हाँ मिल जाएगा। इनके शॉप पे आए, अपना लोकेशन, कलेक्शन कैसा लगा भैया हमारे शॉप का? पहला बात तो ये लाइनअप किए कि आपका आप कहाँ पर है, वहाँ से इधर आइए, अपना सारा रास्ता बताए, यहाँ पर थोड़ा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। इनके पास डॉग का कलेक्शन बहुत है, अच्छे अच्छे ये डॉग हैं, अच्छे भैया। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे भैया? आप लोग भी तो नहीं देखे हो ना, कह रहे हैं थर्ड फ्लोर तक गए, पूरे फ्लोर में ही डॉग है, मस्त है यार, बहुत अच्छा है, अच्छा कलेक्शन है इनका। और थोड़ा पेट शॉप गूगल में आप कीजिए तो इनका नंबर मिलेगा, आप कभी फोन कीजिए, आप अवेलेबल है फोन पे, इनका गूगल पे ये कभी बंद नहीं हो सकता है किसी कारण से रिसीव ना हुआ हो। हाँ। कि हम बाथरूम में भी फोन लेना पसंद करते हैं। नहीं, हमने दो बार तीन बार फोन किया लेकिन ये चौथा बार में खुद ही कॉल बैक किए, जो हमने फोन रिसीव नहीं किया, जो हमने कॉल बैक किए वो अभी आप डॉग लेके आए है, वो डॉग दिखाना भाई। हाँ ये डॉग है इनका, ये हमारा हो गया, बहुत ही अच्छा है जो इन्होंने लाके दिया है बहुत अच्छा है, तो बहुत प्यारा है, कलर भी अच्छा है इनका। तो सर हमारे व्यूवर से क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आना चाहिए? हाँ अभी तो हमने बोला तो अभी कि आप गूगल में पेट शॉप करके टाइप कीजिए, नंबर मिलेगा, कॉल यहाँ पे आके ले जाए, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इन्होंने ठंडा भी लाया है थम्स अप का। ये तो हमारा काम है, सर्टिफाइड पूरा किए गए हर चीज तरह से। चलिए फिर ठंडा पीजिए पहले, थम्स अप पीजिए। और पहले वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक कीजिए इनका, वो भी बहुत अच्छे हैं, बात भी लाइक कर दो, अच्छे से करते हैं, फ्रेंडली लुक है इनका, तो अब तो ब्लश होने लग रहे थे। चलिए तो इसी तरह की वीडियो देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते चलें।